90 करोड़ किसान एक साल से पूरे हिंदुस्तान में 3 काला कानून के खिलाफ और 1 सफेद कानून के मांग लेके आंदोलन कर रहा था। और नरेंद्र मोदी शायद ट्रंप को बहुत अच्छा पहचाना था, किसान को पहचाना नहीं था। हम लोग को किसान ऐलान किया था हम 700 मर गया, 7000 भी मरेंगे, मगर बिना जीत के हम वापस नहीं जाएंगे। किसान का ये जीत के सामने, ये मजबूत आंदोलन के सामने आखिर में नरेंद्र मोदी को झुकना पड़ा, मगर फिर भी हम किसान सभा की ओर से उसका जो घोषणा है उसको स्वागत करता हूं। मगर ये बात मानना है कि सिर्फ जब तक पार्लियामेंट में सेशन में विथड्रॉ नहीं होगा तब तक ये विथड्रॉ माना नहीं जाएगा। इसलिए पार्लियामेंट में विथड्रॉ करने के लिए हम इंतजार करेंगे, तभी इसका पूर्ण रूप से विथड्रॉ हुआ माने, क्योंकि भूमि अधिग्रहण ऑर्डिनेंस 2014 का हमारा किसान लड़ाई के सामने वो स्वीकार करके विथड्रॉ करेंगे, पर आज 7 साल हो गया आज भी विथड्रॉ नहीं हुआ। तो इसलिए पार्लियामेंट में विथड्रॉ के इंतजार करके हम फैसला करेंगे। दूसरी बात है, हम दो मांग था, 3 काला कानून जो किसान को भविष्य बर्बाद करता, भविष्य बर्बाद करने का कानून, और एमएसपी का कानून आज जो बर्बाद हो रहा है उसको बचाने का कानून। भविष्य बर्बाद करने का कानून तो इतना हुआ, मगर आज जो किसान मर रहा है, प्रतिदिन 52 किसान खुदकुशी कर रहा है, 4 लाख किसान खुदकुशी किया, ये 4-3 कानून के लिए नहीं है। वो फसल का दाम नहीं मिलता, लगातार नुकसान, आधा दाम में फसल बेचने में मजबूरी, इसलिए खुदकुशी कर रहा है। इसलिए स्वामीनाथन कमीशन सिफारिश किया था उसका फसल का 1.5 गुना दाम देना चाहिए, और मोदी वादा भी किया था कि फसल का कीमत के लिए एमएसपी कानून बनाएंगे और प्रोक्योरमेंट को गारंटी करेंगे, मगर आज वो नहीं हुआ। तो आधा हमारा मांग एक्सेप्ट किया, बाकी आधा अतीत का जो हम भविष्य के जो समस्या उसको मान लिया, और वर्तमान में जो समस्या चल रहा है इसको दूर करने के लिए कानून नहीं बना है। इसलिए हमारा एमएसपी का लड़ाई 20 साल से चल रहा है, आने वाला दिन में चलेगा ये आंदोलन, जब तक आगे बढ़ाएंगे, और इस तरह हम नरेंद्र मोदी एवं बीजेपी सरकार को हम मजबूर करेंगे कि हमारा एमएसपी कानून बनाए और किसान को फसल का सही दाम मिलने का जो नौबत वो वापस आए और किसान खुदकुशी से बचे, ये हमारा मांग है।